तो OMG 2 मूवी के सक्सेस बाद हमारे अक्षय कुमार फिर से थिएटर में वापस आ रहे हैं, जहां उन्होंने OMG 2 में एक सोशल इशू पे अपनी एक फिल्म बनाई थी। वहीं दूसरी ओर इस बार फिर से अक्षय कुमार एक रियल लाइफ के ऊपर फिल्म बना रहे हैं। इस बार की इनकी फिल्म काफी बेहतर भी है और इसमें हमें साफ देखने को मिलेगा कैसे जब रानीगंज के कोल माइन में फ्लड आया था तो जिसमें 69 वर्कर अंदर फंसे रह गए थे और किस तरह वहीं के एक माइनर जसवंत सिंह गिल ने उन सबको अपनी जान पर खेल के बचाई थी। और इस बार अक्षय कुमार वही जसवंत सिंह गिल का किरदार करने वाले हैं जिनमें वो हमें देखने को मिलेगा कि अपने जान पर खेल करके वो कोल माइनर्स की जान को बचाएंगे। जहां इस फिल्म में काफी ज्यादा एक्शन वगैरह देखने को मिल रहे हैं और म्यूजिक भी थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, वहीं अक्षय कुमार भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं इस मूवी में। वहीं इस मूवी का ट्रेलर हमें देखने को मिला और ट्रेलर काफी ज्यादा शानदार रहा और इस मूवी का रिलीज डेट 6 अक्टूबर 2024 का रखा गया है। तो इस फिल्म को रिलीज होने में करीब 10 दिन बाकी है और 10 दिन के अंदर ही इन्होंने ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है, तो आप समझ सकते हो कि अक्षय कुमार इस बार पूरी तरह प्रिपेयर हैं अपनी मूवी को लेकर। और OMG 2 की सक्सेस ने इन्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया है कि वो फिर से अपना कमबैक कर सकते हैं और फिर से वो थिएटर में पहले की तरह ही पैसे छापने लगेंगे। वहीं अगर इस फिल्म की बजट की बात की जाए तो इस फिल्म का बजट 150 करोड़ बताया जा रहा है, जिसमें से 60 से 70 करोड़ तो एक्टर्स ने ही लिया होगा। वहीं अक्षय कुमार इसमें लीड रोल में नजर आने वाले हैं और इनके अपोजिट में हमें परिणीति चोपड़ा देखने को मिलेगी। वहीं इसी के साथ साथ हमें एनिमल का अपडेट भी देखने को मिला है, जहां बताया जा रहा है कि यही वीक में एनिमल का टीजर भी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड फिर से कमबैक कर चुका है, वो बैक टू बैक फिल्में लाते ही जा रहा है। वहीं जवान ने भी करीब 1000 करोड़ से अधिक का कलेक्शन पूरा कर लिया है और उसी के साथ साथ तुरंत अक्षय कुमार भी अपनी दूसरी फिल्म 2 महीने के अंदर ही ले आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि बॉलीवुड भी इस समय पूरे पीक पर है। तो आपने क्या अक्षय कुमार की मूवी का ट्रेलर देखा, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।